भ्रष्ट कांग्रेस पर फिर चला कोर्ट का डंडा। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होना पड़ा नेशनल हेराल्ड के आरोपी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। इन भ्रष्ट कांग्रेसियों पर लूट का नशा इतना छाया हुआ है कि अपनी विरासत को भी नहीं छोड़ा। नेहरू विरासत का मुखपत्र नेशनल हेराल्ड में जमकर लूट की। जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड की जो एसोसिएट जर्नल कंपनी है उसके पास पूरे हिंदुस्तान में एसेट्स है 5,000 करोड़ रुपए के, चाहे वो दिल्ली के बहादुर शाह जफर रोड में हो, चाहे वो मुंबई में हो, चाहे वो लखनऊ में हो, चाहे वो भोपाल में हो, इन सभी जगहों को जो प्राइम लोकेशंस पे हैं, इन सभी का मालिकाना हक यंग इंडियन के पास चला जाता है मात्र 50 लाख रुपए में, मात्र 50 लाख रुपए में। और ये कंपनी 5 लाख रुपए की बन जाती है, माता और सुपुत्र मिलकर ये कंपनी बना लेते हैं और ये इतना बड़ा हड़प कर लेते हैं। अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए पूरे कांग्रेसियों को ये आशा थी कि सोनिया और राहुल गांधी कांग्रेस में एक बार फिर से जान डालेंगे, पर ये भी भ्रष्टाचारी निकले। अब जब सोनिया राहुल कोर्ट के शिकंजे में फंस चुके हैं, भ्रष्ट कांग्रेस को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है तो एक और साजिश रचने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस अब ये दिखाने की कोशिश कर रही है जैसे सोनिया राहुल भ्रष्टाचारी कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं, कोई भगवान कोर्ट में पेश होने जा रहा है। ये फाइट अगेंस्ट करप्शन हमेशा होती रही है, बट फाइट फॉर करप्शन, और वो भी बहुत बेशर्मी के साथ। जिस तरह का उनका क्रांतिकारी व्यवहार था वो पूरे देश ने आज देखा। ऐसा लग रहा था जैसे करप्शन के आरोप में कोई आरोपी ना हो बल्कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो और सड़कों पे ये उतर आए। इसलिए पूरे दल बल के साथ कांग्रेस पार्टी कोर्ट में हाजिर हुई। शायद इन भ्रष्ट कांग्रेसियों को ये नहीं पता है न्याय का डंडा चलता है तो किसी भी सरनेम की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे वो गांधी परिवार ही क्यों ना हो। मिसेस गांधी एंड प्रियंका गांधी एंड राहुल गांधी दे ट्रूप्ड इन And they were put in a corner where the accused are supposed to stand. They were not allowed to sit. इस भ्रष्ट कांग्रेस के सारे हथकंडों को देख देश की जनता पूरी तरह समझ चुकी है। अब देश चाहता है कांग्रेस मुक्त भारत बने, वो भी जितना जल्दी हो सके। देश भ्रष्ट कांग्रेस जैसे बुरे दुस्वप्न से बाहर निकलना चाहती है।